रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी बॉडी को संतुलित करती है। अगर उसी में प्रॉब्लम हो जाए तो असहनीय दर्द होता है, हम दो कदम चल भी नहीं सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटना घटित होती है जिससे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है और हमें रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ता है और हमें डर लगता है कहीं मेरे साथ ऑपरेशन में क्या होगा, कैसे होगा ऑपरेशन। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर्स कैसे करते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी या स्पाइन सर्जरी तब की जाती है जब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या बहुत बढ़ जाती है और दवाओं और एक्सरसाइज से ठीक नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कई तरह से की जाती है, जैसे कि मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और आर्थोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। इन सर्जरी में छोटे छोटे चीरों के जरिए रीढ़ तक पहुँचा जाता है और रोग ग्रस्त हड्डी या डिस्क को हटाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में संक्रमण, गंभीर चोट लगना, रीढ़ के ट्यूमर और कुछ अन्य रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या होती है। इस स्थिति में आपको स्टेनोसिस और हार्निएटेड डिस्क के लिए सर्जिकल इलाज की आवश्यकता होती है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले रीढ़ में एक चीरा लगाया जाता है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की शुरुआत में डॉक्टर रीढ़ की हड्डी के उस हिस्से को हटा देता है जिससे दर्द हो रहा होता है। रीढ़ की हड्डी के दर्द वाले हिस्से को हटाने के बाद डॉक्टर रीढ़ की मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं ताकि वे मांसपेशियों में मौजूद दर्द को कम कर सके। रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों पर दबाव डालने से पीठ दर्द और कमजोरी कम होती है। कमर दर्द और कमजोरी को कम करने के साथ साथ रीढ़ की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। स्पाइनल सर्जरी के समाप्त होने के बाद डॉक्टर व्यक्ति को कुछ समय के लिए रिकवरी रूम में ले जाता है। जैसे कि डॉक्टर को पता चलता है कि वह व्यक्ति ठीक है, वे उसे घर जाने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि डॉक्टर उन्हें घर पर ही सभी सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। दोस्तों अगर स्पाइन सर्जरी टाइम पर ना हो तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, नर्व डैमेज, ब्लड क्लॉट्स और कार्डियक प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सही टाइम पर इलाज करवाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए। थैंक यू।